क्या है मोहब्बत? इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल फीलिंग दैट इज़ बियॉन्ड द आइडिया ऑफ प्रेजेंस. ठीक है. एंड टच, इट्स बियॉन्ड दैट. लेकिन हर कोई ये अचीव कर सकता है आपके नहीं, ख्याल में? हर कोई नहीं कर तो सकता. ये किस तरीके से? सो साथ और मोहब्बत और इश्क और प्यार, ये चार अलग अलग चीज़ें हैं. ये हम लोग मिक्स कर देते हैं. मेरे अम्मी अब्बू और मेरा जो रिश्ता है वो साथ और मोहब्बत का है. हम साथ हैं और अगर वो आंखों के सामने नहीं भी हैं तो भी मेरे दिल में वो है, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ. मोहब्बत और साथ आप या तो मियाँ बीवी के साथ हो सकता है, या औलाद के साथ हो सकता है, या माँ बाप के साथ हो सकता है. और ये इसको समझने के भी बड़े लेवल्स होते हैं. जो इश्क है आई थिंक वो तो इज़ नॉट फॉर दिस प्लेस. वो आप अल्लाह से बात वो कर रही हूँ. हाँ, आपको लगता है इंसान से इश्क नहीं होता? नहीं, नहीं. अच्छा, मोहब्बत ही मुझे लगता है इंसान से नहीं होती. Okay. मुझे लगता है ये जो रिश्ते हैं अम्मा बाबा सबके, ये हमारा साथ है. इनके बगैर हम हैं नहीं. ये आपने बहुत ही डिफरेंट फिलॉसफी लेकर आई है. आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर एंड इंटरेस्टिंग. मुझे लगता है क्योंकि कि हमें आदत होती है. हमें आदत है ना, लव्स है. जैसे आई लव यू इज द ओनली वर्ड दैट वी नो. आई केयर फॉर यू इज बेटर देन आई लव यू. आई थिंक ट्रू. आई एग्री ऑन दैट. एंड आई रिस्पेक्ट यू इज बेटर देन आई लव यू. यू लव मी बट यू वॉन्ट टू किल मी. ये कौन सी मोहब्बत है? यू लव मी बट यू डोंट वॉन्ट मी टू गो आउट ऑफ द हाउस. यू लव मी बट यू वॉन्ट मी टू I don't know, not focus be on myself. हाँ, be myself. मैं अपनी choice नहीं कर सकती because you love me. तो मुझे नहीं love करें. मेरी इज्जत करें, मुझसे प्यार करें, मेरे साथ रहें. अम्मा बाबा, असद, फैमिली, ये वो है. जैसे पांच उंगली है ना, ये वो हैं. आप इनके बगैर हैं नहीं. इसमें से एक भी उंगली कट जाए आप ख़त्म हैं. मोहब्बत और इश्क में आपको प्रेजेंस, टच, गिव एंड टेक कुछ नहीं होता. वो है. उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको रेसिप्रिकेशन मिले. तो इंटरेस्टिंग, बड़ी डीप आपने थॉट बोला. और ज़रूरी ये भी नहीं कि वो इंसान से हो. मुझे तो लगता है इंसानों से होती ही नहीं है. अव्वल तो मोहब्बत आपको एक ऐसी सोच से भी हो सकती है कि आप सिर्फ ये सोचें कि इसके अलावा भी कुछ है. इस ये दुनिया, ये जो मैं टच कर रही हूँ, ये नहीं है. सो टू लव दिस आइडिया एक्सप्लोर्स एंड ओपन्स अ लॉट ऑफ डिमेंशंस इन योर माइंड. आइंस्टाइन ने बेचारे ने 9% इस्तेमाल किया था दिमाग. उसके बाद किसी ने किया ही नहीं. क्यों किया उसने 9% इस्तेमाल? क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि ये मोहब्बत मैं यहाँ से करूँगा तो मेरा दिमाग तो बंद हो जाएगा. मुझे मोहब्बत और इश्क को और ज़िंदगी को कहीं और ढूंढना है. इज़ वेन यू एक्सप्लोर कि आपके दिमाग में कौन कौन से लाइट बल्ब हैं जो ऑन ही नहीं हुए क्योंकि आपने करंट ही नहीं दिया.